हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सेंसिबल के बारे में। तो सेंसिबल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एलिस ब्लू के अकाउंट के द्वारा। तो ये करने के लिए सबसे पहले चीज़ कर लीजिए कि एंट वेब के प्लेटफॉर्म जाकर अपने लॉग इन कर लीजिए। तो ये एंट वेब एक वेब ब्राउज़र का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एलिस ब्लू के द्वारा। तो इसमें जाकर लॉग इन करने के बाद एलिस ब्लू के वेबसाइट में जाइए, जो है aliceblueonline.com, और यहाँ पर ट्रेड स्टोर के पेज पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ ट्रेड स्टोर के पेज में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जब आ जाते हैं आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंसिबल का प्रोडक्ट दिया गया है, तो उसे क्लिक कीजिए। और अब हम देख सकते आएगा सेंसिबल का पेज। तो ये है सेंसिबल का थोड़ा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक मेथड प्लेटफॉर्म। तो इसमें लॉगिन के बटन को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एलिस ब्लू के ब्रोकरेज से कैसे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो ये है सेंसिबल, इंडियाज फर्स्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर दिया गया है एलिस ब्लू, उसे सीधे क्लिक कीजिए। तो ऑटोमेटिक लॉगिन अपने आप हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड में एंट वेब का सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो ये हम देख सकते हैं सेंसिबल का होम पेज। तो सेंसिबल के होम पेज में थोड़े मेनू और ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ऊपर में हम देख सकते हैं मेनू के ऑप्शंस। तो यहाँ पर होम पेज में भी फिर से ऑप्शंस रिपीट हुए हैं। तो ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग के सेक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल ट्रेड है। तो वर्चुअल ट्रेड एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन लाइक प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नए हो ऑप्शंस के ट्रेडिंग पर और आप थोड़े डाउटफुल हो, अपने पैसा डालने में थोड़े हेजिटेशन होता है, तो आप वर्चुअल ट्रेड में थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लाइव ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सारे स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स, ऑप्शंस चेंज, सारे चीज़ को वर्चुअल ट्रेड में सारे यूज़ करके प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर लाइव ट्रेडिंग पर अपने पैसे डालकर ट्राई कीजिए। तो अब देख, इसके बाद है स्ट्रैटेजीज का सेक्शन ऑप्शंस ट्रेडिंग में, फिर है बिल्डर, इजी ऑप्शंस और कॉल और पुट। तो उसके नीचे नेक्स्ट सेक्शन है ऑप्शंस ट्रेडिंग डेटा एंड एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले है IV चार्ट। तो ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट। फिर है ऑप्शन चेन, स्क्रीनर, इवेंट्स कैलेंडर, FII, DII डेटा, ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर है एक नया प्रोडक्ट आने वाला है हीट मैप, जो कमिंग सून में दिया गया है। तो फिर है एडुकेशनल का सेक्शन। तो यहाँ पर आप सेंसिबल के आर्टिकल्स और वीडियोस के द्वारा सीख सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। फिर है राइट ट्रेडिंग, फिर हेल्प एंड फैक्चुअल। तो इसमें से फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो ये, और यहाँ पर है ट्रेडिंग ब्लॉग, जो सेंसिबल के एम्प्लॉयज़ के द्वारा दिया गया ब्लॉग है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैटेजीज। सेंसिबल में स्ट्रैटेजीज देखते साथ आप देख सकते हैं सबसे पहले एक स्पेस आया है स्टॉक को सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी का ही देख लेते हैं। तो निफ्टी में व्यू, पहले निफ्टी टारगेट देते हैं। तो अब 946 के लेवल पर है। तो टारगेट डेट 11th जुलाई के एक्सपायरी पर, क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टारगेट को यहाँ पर दे दीजिए। तो सपोज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 900 से कम होगा 800 के लेवल पर। तो 800 के लेवल से कम होगा तो बिलो क्लिक करते हैं। तो नॉट अबव से कॉल्स, पुट्स और स्प्रेड्स का ऑप्शंस दिखाएगा। अबव में कॉल्स, पुट्स और स्प्रेड्स, बिटवीन में भी ऑल स्ट्रैटेजीज दिखाएंगे, बिलो में भी सारे आप देख सकते हैं। तो गो सेलेक्ट करने के बाद दिखाएगा कुछ ऑप्शंस के कॉल्स क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये है टू इवेंट्स दैट कैन अफेक्ट योर ट्रेड। तो ये दो कैलेंडर इवेंट हैं जो आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, और इनका इम्पोर्टेंस स्टॉक मार्केट को कितना अफेक्ट करेगा यहाँ पर 3 लाइटनिंग बोल्ट के हिसाब से दिखाया गया है कि कितना इम्पोर्टेंट है।
तो ये है 4th जुलाई जब दिया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, और 5th जुलाई यूनियन बजट निकलेगा, और इन दोनों इवेंट के द्वारा स्टॉक मार्केट अफेक्ट हो सकता है और आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग भी अफेक्ट होगा, तो इस चीज़ को याद रख लीजिए। तो अब देखते हैं, यहाँ दिया गया है वी हैव फाउंड 63 ट्रेड्स फॉर योर मार्केट व्यू ऑफ निफ्टी बिलो 11,800 ऑन 11th जुलाई। तो आप स्क्रॉल करने से आप देख सकते हैं सेंसिबल के द्वारा ही ऑप्शंस ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी दिया गया है, आप इसमें से अपने खुद एक स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिया गया है ट्रेड, तो सबसे पहले है पुट स्प्रेड 11th जुलाई 11,800 से लेकर 11,950 तक। तो इसमें स्प्रेड कैसा है, क्या प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिया गया है, ब्रेक इवन का लेवल, कितना कैपिटल चाहिए इस ट्रेड को करने के लिए, तो परसेंटेज रिटर्न 6 दिन पर, और भी डिटेल्स चाहिए तो इस ट्रेड के पास में एरो वाले ऑप्शन को क्लिक करने से और भी डिटेल्स दिए जाएंगे नीचे। तो ये है इन्फॉर्मेशन का, प्रीमियम कितना पे करना है, रिस्क, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, करंट ग्रीक्स और LTP, टारगेट प्राइस, और ये सारे चीज़ दिए गए हैं। तो अगर आपको इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करना नहीं चाहते हैं तो ऐड टू वर्चुअल कर सकते हैं, और ये ट्रेड स्पेसिफिकली आपकी वर्चुअल ट्रेड में एक्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसे क्लिक करने पर। तो इस तरह हर एक ट्रेड को आप नीचे एक्सपैंड करके अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको कम ऑप्शंस चाहिए, तो इस लेफ्ट साइड में आप फिल्टर्स देख सकते हैं। तो इन फिल्टर्स के द्वारा ऑप्शंस स्ट्रेटजीज को आप कम कर सकते हैं। अगर आप नेकेड कॉल्स नहीं देखना चाहते हैं तो इनके यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं आप कैसे अफेक्ट होता है यहाँ का स्ट्रेटजीज। जैसे आप देख सकते हैं जब हम पुट स्प्रेड के ऑप्शन को फिल्टर आउट कर देते हैं तो सिर्फ कॉल स्प्रेड्स में ये सारे ऑप्शन स्ट्रेटजी दिखाई देते हैं, इसे फिर से क्लिक करने से बदल जाता है। अब देखते हैं कॉल स्प्रेड को निकालने से सारे बाय ऑप्शंस आ जाते हैं पुट स्प्रेड के लिए। तो इस तरह आप अपने लिए स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम लॉस का लिमिट दिया गया है, मिनिमम प्रॉफिट, और यहाँ पर दिया भी गया है शो अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजीज। चलिए इसे क्लिक करते हैं, तो इससे भी कुछ फिल्टरिंग हो सकता है, फिर एक्सपायरी डेट के खिलाफ। तो इसे क्लिक करने से आप देख सकते हैं सेंसिबल के द्वारा वार्निंग आता है, तो बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है, तो सेंसिबल के सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आप देख सकते हैं क्या क्या वार्निंग्स मिलता है। तो ये है इलिक्विड ऑप्शंस का वार्निंग, तो इसमें बताया गया है कि अगले एक्सपायरी के ऑप्शंस अभी लिक्विड नहीं है, तो LTP के फेयर प्राइस बहुत ऑफ हो सकते हैं और अब इनके कैलकुलेशंस पर गलती हो सकती है। तो अगर आप इसके बाद भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं ये मिसप्राइस होने का चांसेस है और ट्रेड बैड हो जाएगा, तो सावधान रहिए ट्रेडिंग करने से पहले। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो आप इसे वार्निंग को छोड़कर फिर भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये एडवाइस्ड नहीं है क्योंकि बहुत रिस्की है ये स्ट्रेटजी। तो इस तरह आप बहुत ऑप्शन स्ट्रेटजीज के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये बिल्डर के ऑप्शन, तो बिल्डर के ऑप्शन को स्ट्रेटजीज के द्वारा भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च करने के बाद स्ट्रेटजीज आ जाते हैं तो इस एक्स्ट्रा डिटेल्स के सेक्शन पर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं एनालाइज ऑप्शंस। तो इसे क्लिक करने से बिल्डर का सेक्शन खुलेगा और आप देख सकते हैं और भी ऑप्शन स्ट्रेटजी की अंतिम एक्सट्रीम इंटरमेट डिटेल्स देख सकते हैं ग्राफ के हिसाब से। तो इस स्पेसिफिक ट्रेड स्ट्रेटजी का डिटेल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर है सेल 11,800 पुट स्प्रेड 11th जुलाई को प्राइस, और यहाँ पर दिया है चार्ट एक ग्राफ का, तो यहाँ पर आप ग्राफ से देख सकते हैं
टारगेट प्राइस कहाँ पर, प्रोजेक्टेड लॉस का लेवल है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितने लेवल पर है और इस एक्सपायरी डेट पर कितना होगा स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर, ये सारे आप देख सकते हैं। तो इसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस रेंज पर आप सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं और इसके हिसाब से चार्ट में भी आप बदलाव देख सकते हैं। और फिर है आईवी का वार्निंग, तो ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का वार्निंग टारगेट डेट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ग्रीक्स के इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, ये है डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, स्ट्राइक वाइज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी दिया है, तो इसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं ये डाउन और अप के बटन्स के द्वारा। तो ये है बिल्डर। अगर आप और भी स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर आप स्टॉक को चेंज कर सकते हैं, कोल इंडिया सबसे पहले वाला। तो और यहाँ पर आप एड लेग के ऑप्शन सेलेक्ट करके आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है 25 जुलाई, स्ट्राइक प्राइस 250, जाते हैं 260 तक सेलेक्ट करके एड के बटन करने पर ये है स्ट्रैटेजी। और फिर से यहाँ देख सकते हैं एक नया ग्राफ निकला है इसके हिसाब से और आप फिर से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के स्टाइल पर, और प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये था स्ट्रैटेजीज और बिल्डर के ऑप्शंस ट्रेडिंग पर। तो अब देखते हैं इजी ऑप्शंस। तो इजी ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको इस तरह सीधा पूछेगा, आपके नाम देकर आप क्या ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में अब है 11,947 के लेवल पर, और वेयर डू यू थिंक निफ्टी विल बी ऑन July 11th, तो कौन सी पोजिशन पर होगा आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग होगा चूज़ करना चाहते हैं तो ये चूज़ कर सकते हैं, और सेंसिबल के द्वारा तीन स्ट्रेटजी दिया जाएगा। अगर आप वीक न्यूट्रल होगा तो तीन स्ट्रेटजी और दिया गया है, फिर वीक के लिए तीन स्ट्रेटजी। तो ये है सेल कॉल स्प्रेड, बाय पुट स्प्रेड और बाय पुट। तो कौन से लेवल पर होगा, क्या आप प्रॉफिट करने लेने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये है आयरन कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर मीडियम चांस मीडियम प्रॉफिट, और आयरन कॉन्डोर लो चांस हाई प्रॉफिट। तो इस तरह अपने रिस्क के लेवल के हिसाब से आप एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन सेलेक्ट करके और भी देख सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन ऑप्शंस के एक्सपायरी डेट, और कितना फंड्स चाहिए, क्या ये रिफंडेबल है, क्या आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, टू ट्रेड दिस लॉग इन विद सपोर्टेड ब्रोकर, टू डू ए वर्चुअल ट्रेड प्लीज गो टू वर्चुअल ट्रेड ऐप एंड ऐड ट्रेड। तो ये सारे आप कर सकते हैं। तो ये है इजी ऑप्शंस का सेक्शन। तो अब देखते हैं कॉल और पुट। तो ये है एनालाइजर। तो एनालाइजर में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है चूज एन ऑप्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल में ही HDFC बैंक दिया गया है, तो हम भी HDFC बैंक को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है एक्सपायरी डेट, कॉल और पुट स्ट्राइक, जुलाई का टारगेट डेट, टारगेट डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस टाइम। तो ये है ऐड द मनी, जैसे ये सारे चीज़ों को फिल करके आप गो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेडिक्शन दिया गया है सेंसिबल के द्वारा ही, स्ट्राइक प्राइस, रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड कॉल प्रॉफिट एंड लॉस, पुट का प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीचिंग टारगेट ऑफ प्राइस एट स्पेसिफिक डेट।
तो ये सारे दिए गए हैं, तो कितना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है इस प्राइस के लेवल पर। कॉल को बाई करना चाहिए, बाई करने से कितना प्रॉफिट आ सकता है, और पुट ऑप्शन को सेल करने से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं रेंज पर कितना ट्रेड होगा, कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसे इस तरह आप स्लाइड करके अपने एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से देखकर अपने लिए एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेड को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्ट्रेटजी को। तो अब देखते हैं ऑप्शन चेन। तो इस स्ट्रेटजी का ऑप्शन चेन यहाँ पर खुल रहा है, तो निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं निफ्टी का ऑप्शंस चेन स्प्रेड। तो सब लेफ्ट साइड में है कॉल ऑप्शंस और राइट साइड में है पुट ऑप्शंस। तो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शंस में आप देख सकते हैं OI, लैक क्वांटिटी, कॉल डेल्टा, LTP, स्ट्राइक प्राइस, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, LTP चेंज परसेंटेज, पुट डेल्टा, OI, लैक क्वालिटी, थीटा, वेगा। तो ये सारे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, कहाँ पर एट द मनी का है, बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो ये सारे आप डिटेल से देख सकते हैं रेंज पर कितना गया है, कितना है। तो इस तरह आप सेंसिबल को एक्सप्लोर करके समझ कर ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शंस पे ट्रेडिंग पर। तो अगर आपको सारे स्ट्रेटजी समझ में नहीं आते हैं तो आप सीधे इजी ऑप्शंस यूज़ करके निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डाउट और भी है तो सबसे पहले वर्चुअल ट्रेड में प्रैक्टिस करने के बाद फिर लाइव ट्रेडिंग पर एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चार्ट जो हम यहाँ पर क्लिक करे थे। तो ये है निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट ऊपर में, और ये ऑरेंज लाइंस जो है, तो ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के ऊपर कैलेंडर इवेंट्स भी अप्लाई करे गए हैं। तो आप देख सकते हैं हर कैलेंडर इवेंट के साथ कितना वॉलेटिलिटी आया था, तो कितना ऊपर नीचे गया है उन स्पेसिफिक दिनों पर। तो ये है कैंडलस्टिक के चार्ट, ये रेड और ब्लू ग्रीन। ऑरेंज लाइन है ATM, एट द मनी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये ग्रीन कलर है एक्सपायरी के डेट्स, तो आप देख सकते हैं डेट्स के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फिर ये रेड वाले डॉट्स जो है फ्राइडे हैं, कर्नाटका के इलेक्शन रिजल्ट्स डेट्स। ये ब्लू लाइन है RBI पॉलिसी, तो RBI पॉलिसी कितने अफेक्ट किया है ऑप्शंस के ट्रेडिंग को। इंटरिम यूनियन बजट यहाँ पर हुआ था, इंडिया जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स तो यहाँ पर है। तो इस तरह कैलेंडर इवेंट्स कितना मार्केट को अफेक्ट करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को, वो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चार्ट पर। फिर है ऑप्शन चेन, हमने देख लिया है। फिर है स्क्रीनर, तो स्क्रीनर में आपको मिलेगा बहुत सारे स्टॉक्स और उनको आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पर, सेक्टर, एक्सपायरी डेट, लिक्विडिटी, वॉल्यूम, अपकमिंग इवेंट्स और मैक्सिमम पेन, बिल्डअप और शॉर्ट कवर के हिसाब से आप बहुत सारे फिल्टरिंग करके अपने लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत आसान होगा। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रेंज पर ही ट्रेड करना आपका स्ट्रेटजी है, तो उसे आप यहाँ पर फिल्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक एट द मनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रेंज पर ही ट्रेड करना है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का रेंज दिया है, IVP का रेंज, PCR का रेंज, फ्यूचर परसेंटेज, OI परसेंटेज। तो इस हिसाब से आप ऑप्शंस को नैरो डाउन करके अपने स्टॉक्स को फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर है इवेंट्स कैलेंडर, तो इवेंट्स कैलेंडर पर आप देख सकते हैं मार्केट में क्या क्या इवेंट्स रीसेंट डेज में होने वाले हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को अफेक्ट करेंगे। फिर ये है FII DII डेटा, फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा। और फिर है ओपन इंटरेस्ट, तो ये है OI ऑफ FII इन इंडेक्स ऑप्शंस, तो कितना
नेट कॉल ओआई, नेट पुट ओआई दिया गया है, फ्यूचर ओआई, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ये सारे चीज़ को आप देख सकते हैं। आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग को बहुत ही फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज्ड और इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए सेंसिबल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये है ओपन इंटरेस्ट, तो करंट वीक में क्या स्ट्राइक रेंज है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जुलाई के एक्सपायरी में कौन सा रेंज अभी चल रहा है इंट्राडे पर, और इंटरडे, इंट्राडे ओआई का चेंज, नेट कॉल चेंज, नेट पुट, तो ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं कि मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये था सेंसिबल जो एक प्रोडक्ट है एलिस ब्लू के साथ जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एलिस ब्लू के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी डीमैट अकाउंट को आप तुरंत खोल सकते हैं। एलिस ब्लू के ब्रोकरेज सर्विसेज के साथ आपको मिलेंगे सबसे अच्छे एक्सपोजर्स और मार्जिन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए।